अस्सलाम वालेकुम, मैं अमानतुल्ला ओखला विधायक और चेयरमैन दिल्ली वक्फ बोर्ड। आज हमने यहाँ जो परसों रोहिंग्या के लोग जिस कैंप में रहते थे उस कैंप के अंदर आग लग गई थी और उनका पूरी तरह से सामान और झुग्गियाँ जल गई थी, तो हमने सरकार की तरफ से यहाँ पर 53 लोगों के लिए कैंप लगा दिया है। 53 फैमिलीज़ हैं जो टोटल झुग्गियाँ जली थी और हमने अभी इनको एक महीने का राशन और 10-10 हज़ार रुपया कैश मैंने दिए हैं हर एक फैमिली को 10 हज़ार रुपया। अपनी चीजें ले लेना और ये पता कैसे लगेगा। ये चावल है। और इनकी फाइल जो है रिलीफ की सरकार को भेज दी गई है। फिलहाल हमने अपने पास से सारी फैमिलीज को 10-10 हज़ार रुपया कैश दे दिए हैं ताकि ये अपना सामान इसमें खरीद सकें और अपनी ज़िंदगी अच्छे से ये बिता सकें। ये पंखा भी लगा रहे हैं अभी आप। अरे कोई नहीं, आप ठीक रहोगे, जीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल रहेगा इंशाल्लाह। इनके लिए बहुत दुखद, बहुत ही अफसोस का मुकाम है क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है और हम जितनी मदद इनकी कर पाएं वो इनके लिए बेहतर होगा और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनको अच्छे से कैंप में रखा जा सके जिसमें हम टॉयलेट की, पानी की और खाने की सारी सहूलत हम इनको दे सकें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह किसी भी किस्म की तकलीफ इन बेचारों को ना हो क्योंकि ये पहले से बहुत तकलीफ़ में है और हमारी हर मुमकिन कोशिश है कि इनकी तमाम परेशानियों को दूर करके हर मुमकिन रिलीफ इनको दी जाए। शुक्रिया।